हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। अभी तक के M1 के 5 वीडियोस, M2 के 4, TOC के 2 वीडियो रिकॉर्ड हो गए। आज मैकेनिक का पहला वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। रेगुलर बैच में फर्स्ट यूनिट हमारा एंड हो गया था। सेकंड यूनिट हमने ट्रस की थ्योरी कंसेप्ट पढ़ लिया था और 2-3 गणित ईजी लेवल के हो गए थे। अब ये गणित जो है ये बाप लेवल का और चैलेंजिंग गणित है फ्रेंड्स। ये गणित आपको अगर आ गया तो ट्रस का कोई भी गणित आ गया ऐसा बोलना गलत नहीं है। 11 से 14 मार्क के लिए ये प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, तो इसको कवर करेंगे। आपको मालूम ही है कि ट्रस के प्रॉब्लम को हम लोग 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहली स्टेप हम लोग ट्रस की FBD बनाते हैं। FBD में हम लोग जो हिंज सपोर्ट रहता है उसको 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। हिंज सपोर्ट बोले तो 2 अनोन आते हैं। एक आएगा आपका FX और एक आएगा आपका FY। ये अनोन रिएक्शन का डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम राइट और अपर लेते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट यूनिट में भी लेते थे। ये रोलर सपोर्ट चक्के वाली गाड़ी बोले तो एक अनोन RA, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो भी इंक्लाइन मेंबर है उसके आप एंगल्स निकाल देते। तो FBD में आपको 2 स्टेप करनी पड़ती। हिंज सपोर्ट बोले तो 2 अनोन्स FX और FY, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अनोन और एक वर्टिकल का। और चक्के वाली गाड़ी रोलर सपोर्ट उसका एक ही अनोन आता फ्रेंड्स। और अब ये जो इंक्लाइन मेंबर है AB CD FD BD, ये 2 ये 3 ये 4, ये 4 इंक्लाइन मेंबर है फ्रेंड्स, इसके आपको एंगल्स निकालना पड़ता। तो एक एंगल इधर बनेगा अल्फा, एंगल के लिए डिस्टेंसेस देखना पड़ता फ्रेंड्स। आपको डेफिनेशन मालूम है क्या? tan अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट 4 है, एडजेसेंट 3 है, तो इधर एक एंगल बनेगा 53.13 का। अपोजिट 3 एडजेसेंट 3, इधर दूसरा एंगल बनेगा, इसको नाम बीटा देना पड़ेगा। अपोजिट 3 एडजेसेंट 2, इधर भी डिस्टेंस अलग है, तो इधर तीसरा एंगल बनेगा अल्फा बीटा गामा। और उसके बाद ये मेंबर जो है फ्रेंड्स इंक्लाइन है, तो ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूं ट्रायंगल एंगल निकालने के लिए, ये मेंबर नहीं है, ये डॉटेड में मैं सिर्फ एंगल निकालने के लिए निकाल रहा हूं। और ये एंगल को नाम दूंगा फाई। तो टोटल 4 एंगल बनेंगे फ्रेंड्स। तो लेट अल्फा बीटा गामा एंड फाई आर द एंगल्स ऑफ इंक्लाइंड मेंबर ऑफ द ट्रस। तो ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ये अपोजिट, अपोजिट इज 4, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, एडजेसेंट इज 3। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, 53.13 फेमस एंगल। बीटा इज इक्वल्स टू बीटा के लिए एक एंगल देखिए फ्रेंड्स, अपोजिट इज 3, एडजेसेंट इज 3, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स इधर का एंगल डिस्टेंस भी 2 रहता था तो ये दोनों एंगल सेम होते थे, लेकिन यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 है, यहां 2 है, इसलिए ये एंगल चेंज होगा फ्रेंड्स। डिस्टेंस सेम होंगे, एंगल चेंज होगा फ्रेंड्स। उसके बाद गामा टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट इज 3, एडजेसेंट इज 2, तो ये 56.30 समथिंग आएगा फ्रेंड्स। और ये पाई, अब फाई के लिए ये छोटा सा ट्रायंगल देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहां से यहां तक के का डिस्टेंस 4 है बराबर, यहां से यहां तक के का डिस्टेंस 3 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 4 में से ये 3 गया फ्रेंड्स, तो ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहां से यहां तक के का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस दिया है यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 3 है, ये 4 में से फ्रेंड ये 3 चला गया तो 1 बच गया, ये 3 प्लस ये टोटल 4। तो tan इनवर्स ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट इज 1 और एडजेसेंट यही रहेगा फ्रेंड्स 3, तो ये 18.43। तो ऐसे 4 एंगल्स बनेंगे और ये एंगल्स को आपको एफबीडी में शो कर देगा। ये 53.13, ये 45 डिग्री और ये 56
0.30। तो पहली स्टेप है फ्रेंड्स कि आप लोग इंक्लाइन मेंबर के एंगल बना लो और ट्रस की एबिलिटी बना लो, और कैल्सी लेते हुए कैल्सी हमेशा डिग्री मोड में होना। मैकेनिक्स का कभी भी गणित सॉल्व करो तो मैंने बताया था रेगुलर बेस में भी कि कैल्सी आपका हमेशा डिग्री मोड में रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी पहली स्टेप। सेकंड स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहली स्टेप को फिलहाल मार्क्स नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो ट्रस की एबिलिटी है ये अभी अधूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रस जो है फ्रेंड्स ये बहुत सारे अननोन मेंबर से बनता है, ये ए बी ए सी, ये बी डी, ये सी डी, ये ई डी, ये सारे मेंबर कौन से फ्रेंड्स? ये एक तो कॉम्प्रेसिव होते हैं नहीं तो टेंस है, तो अभी आपने इनका डायरेक्शन शो नहीं किया है तो ये एबिलिटी अभी इनकम्प्लीट है। जब तक आप लोग इसका डायरेक्शन शो नहीं करेंगे ये इनकम्प्लीट एबिलिटी है फ्रेंड्स। तो अब आपको सेकंड स्टेप ये सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा, और ये सपोर्ट रिएक्शन अगर राइट होती है फ्रेंड्स तो 10 में से 3-4 मार्क, और अगर 13 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 5-6 मार्क आपको सपोर्ट रिएक्शन के मिलेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये सेकंड स्टेप रॉन्ग हो गई, सपोर्ट रिएक्शन रॉन्ग हो गए फ्रेंड, तो आपको ट्रस्ट में 0 मार्क मिलेगा, ये ध्यान में रखें। तो सेकंड स्टेप है टू डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड आर एफ बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ट्रस का बेस है फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमेशा यहां पे मेंटेन रहेगा, मतलब ये रेस्ट पोजीशन में रहेगा, कोई भी कहीं मूव नहीं हो पाएगा। ट्रस का बेस है इक्विलिब्रियम, ये बात आप जिंदगी में याद रखें। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए क्या मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, क्या प्रोसेस है? तो जहां पे हिंज सपोर्ट है ना फ्रेंड्स वहां पे आपको मूवमेंट की कंडीशन लेनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि वो दो जो अननोन है एफ एक्स और एफ वाई वो मूवमेंट के सेंटर में से पास होंगे, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता फ्रेंड्स, तो उसका मूवमेंट 0 हो जाता, तो अपने को आर ए रिएक्शन की वैल्यू मिल जाती फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मूवमेंट की कंडीशन लगाएंगे, मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्स एट पॉइंट एफ इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज मूवमेंट आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अब मूवमेंट कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग दो प्रकार के फोर्सेस का मूवमेंट निकालते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अगर आप बॉडी को वर्टिकली काटेंगे फ्रेंड्स तो दो धड़ मिलते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो वर्टिकल फोर्स जो है फ्रेंड्स वो एक तो मूवमेंट सेंटर के राइट में आते हैं नहीं तो लेफ्ट में आते फ्रेंड्स, 80% टाइम राइट में आते। राइट में आया तो नीचे वाले क्लॉकवाइज और ऊपर वाले एंटी क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट में आ रहा है फ्रेंड्स तो कॉनवर्स, इसका उल्टा। इधर राइट वाले क्लॉकवाइज है मतलब नीचे वाले क्लॉकवाइज है, ऊपर वाले एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट सेंटर के राइट में आ रहा तो, लेफ्ट में आ रहा तो उल्टा, नीचे वाले एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाले क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट सेंटर का मेन रोल रहता है फ्रेंड्स। मूवमेंट सेंटर मतलब वो एंड वहां से बॉडी फिक्स की जाती है, वहां से बॉडी जिंदगी में कभी हिलेगी। तो ये सेंटर मतलब ये एंड बॉडी का फिक्स हो गया। फोर्स वर्टिकल है तो बॉडी को हॉरिजॉन्टल होल्ड करते फ्रेंड्स। मूवमेंट सेंटर के राइट में फोर्स लग रहा है, ये नीचे, ये 3-4-5-6 ये क्लॉकवाइज है, ये 3-2-1 ये एंटी क्लॉकवाइज है, और मूवमेंट सेंटर के लेफ्ट में लग रहा है ये घड़ी का आंकड़ा 9 रहता फ्रेंड्स, तो ये 9-8-7 एंटी क्लॉकवाइज, और ये 9-10-11-12 क्लॉकवाइज। तो घुमा के देखने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते। तो मूवमेंट सेंटर के आज लेफ्ट में फोर्स लग रहा है, तो मूवमेंट सेंटर के लेफ्ट में फोर्स लगे तो नीचे वाले एंटी क्लॉकवाइज -200 × 2 फोर्स वर्टिकल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस कभी भी फ्रेंड्स मूवमेंट सेंटर में से कम थे, तो मूवमेंट सेंटर के लेफ्ट में फोर्स लग रहा है नीचे वाले एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी मूवमेंट सेंटर के लेफ्ट में लग रहा है नीचे वाले एंटी क्लॉकवाइज, ये भी लेफ्ट में लग रहा है नीचे वाले एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स वर्टिकल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल 3-2-5, फिर ये 1200 × 5 ये 1, 2, 3, 4, 5 ये ऊपर जा रहा क्लॉकवाइज 3 × 3, 6 × 2, 8 ये एफ एक्स और एफ वाई मूवमेंट के सेंटर में से गए फ्रेंड्स, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। अगर ऐसे मूवमेंट के सेंटर में से जा रहा है तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स पूरे गांव में नहीं है फ्रेंड्स,
तो एक दो तीन चार पांच, पांच लोगों का मूवमेंट निकलेगा। ये क्रॉस चेक करना फ्रेंड्स। अब इसको आप कैलसी में डायरेक्ट सॉल्व कीजिए और आपको आगे काम समझने का। कैलसी कैसे चला रहा है फ्रेंड्स, तो ये जैसा बोर्ड पर लिखा है आपको कैलसी में लिखना है। माइनस 200 इंटू 2, माइनस 600 इंटू 2, माइनस 400 इंटू 5, माइनस 1200 इंटू 5, प्लस अल्फा दबा के ये ब्रैकेट बंद होने का बटन दबाना है जिसपे लिखा है, तो ये एक्स आ जाए। तो अल्फा दबा के ब्रैकेट क्लोजिंग का बटन दबाइए इंटू 8, अल्फा दबा के ये सॉल्व दबाइए फ्रेंड्स, पहले अल्फा दबाइए फिर ये सॉल्व इक्वल टू आएगा, फिर जीरो लिखिए, फिर शिफ्ट दबा के सॉल्व और नीचे का इक्वल टू प्रेस कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 1200। ये वैल्यू फ्रेंड्स पॉजिटिव आई, मतलब हमारा अजून डायरेक्शन सही है। हमने रिएक्शन ए का डायरेक्शन अपवर्ड अजून किया था फ्रेंड्स, आप डाउनवर्ड भी कर सकते थे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई, इट मींस माय अजून डायरेक्शन इज करेक्ट और उसका डायरेक्शन सही। अगर वो निगेटिव आता तो मैं डाउनवर्ड शो कर। अब समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जो राइट जा रहा है वो पॉजिटिव, तो ये एफ एक्स राइट जा रहा, पूरे गांव में हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। फिर समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, जो फोर्स ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, सारे वर्टिकल फोर्सेस लेने आपको इसके अंदर, पूरे ट्रस में सारे वर्टिकल फोर्स देखो, ये आ रहे ऊपर जा रहा, इसकी वैल्यू 1200 अभी निकाल। फिर ये 1200 नीचे जा रहा निगेटिव, ये आ रहे ये 1200 ऊपर जा रहा पॉजिटिव, ये 1200 नीचे जा रहा निगेटिव, ये 400 नीचे जा रहा निगेटिव, ये 200 नीचे जा रहा निगेटिव, ये 600 ये नीचे जा रहा निगेटिव, और ये एफ वाई ऊपर जा रहा पॉजिटिव, ये एफ वाई ऊपर जा रहा पॉजिटिव। तो आप कैलकुलेशन कीजिए कैलसी में, कैलसी कैसे चलाते मैंने अभी सिखाया, इसको आप सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। ये 1200 तो 1200 कैंसिल हो गया, माइनस 400 माइनस 200 माइनस 600 माइनस 600 माइनस 600 माइनस 1200, माइनस का 1200 उधर जाके प्लस 1200, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव आई, हमारा अजून डायरेक्शन सही है, ये भी अपवर्ड जा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये 1200 और 600 1800, 1800 और 400 2200 और 2400, ये चारों फोर्स मिलके 2400 से नीचे धक्का देगा, तो ये आर ए और एफ वाई ये दोनों मिलके 1200 1200 2400 से ऊपर धक्का देगा, तो माइनस 2400 प्लस 2400 जितना फोर्स से नीचे धक्का दे रहे हैं उतने ही फोर्स से ऊपर धक्का दे रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन है फ्रेंड्स। तो इसको सपोर्ट रिएक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स, ये सपोर्ट रिएक्शन राइट होना बहुत जरूरी है, तभी आगे ट्रस का प्रॉब्लम चेक किया जाएगा। अगर ये सपोर्ट रिएक्शन गलत हो गई फ्रेंड्स तो आपको जीरो मार्क मिल जाएगा। ये जो भी सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू आई है यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, एफ एक्स की वैल्यू जीरो है फ्रेंड्स, एफ वाई 1200 आया, एफबीडी में आप दिखा सकते वैल्यूज, और ये भी 1200 आया। ये हो गई आपकी सेकंड स्टेप सपोर्ट रिएक्शन। अब थर्ड स्टेप फ्रेंड, आपको ये जो अननोन मेंबर है, ट्रस्ट दो चीजों से बनता है फ्रेंड्स, ये मेंबर और जॉइंट, तो ये ए बी, ये एक मेंबर, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये नाइन मेंबर्स की वैल्यू निकाल दिया, और ये हम जो यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं मेथड ऑफ जॉइंट, जॉइंट बाय जॉइंट एनालिसिस रहता है। तब एक एक जॉइंट का आपको एफबीडी देने का है, और उसके बाद उसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है, स्टैटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और अननोन मेंबर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आप कोई भी जॉइंट का एफबीडी नहीं ले सकते फ्रेंड्स, शर्त है यहां, तो आपको उसी जॉइंट का एफबीडी लेने का है फ्रेंड्स जहां पे मैक्सिमम दो अननोन है, तो आप ए जॉइंट ले सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पे ए बी और ए सी दो अननोन, आप एफ जॉइंट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ई एफ और एफ डी दो अननोन, उसके अलावा रिमेनिंग सारे जॉइंटों में दो से ज्यादा अननोन है, सी जॉइंट में एक दो तीन अननोन है, ये चार, बी जॉइंट में भी तीन अननोन है, तो ऐसे बाकी जॉइंट्स में बहुत ज्यादा ज्यादा अननोन है, तो आपको सिर्फ उसी जॉइंट का एफबीडी लेना है जहां पे सिर्फ एट मैक्स मैक्सिमम दो अननोन्स, तो ये ध्यान रखना। तो थर्ड स्टेप है टू डिटरमाइन द अननोन मेंबर फोर्स
कंसीडर इट द एपीडी ऑफ ए जॉइंट विच कंटेन एटमोस्ट टू और मोर मेंबर फोर्स. तो आप उसी जॉइंट का एपीडी ले सकते हैं फ्रेंड्स जहां पे मैक्सिमम दो अननोन मेंबर फोर्स है. अगर आप ए जॉइंट को देखेंगे तो इसमें दो अननोन है एसी मेंबर और एनी मेंबर. और बाय डिफॉल्ट हम लोग फ्रेंड्स डायरेक्शन अजूम करेंगे एक तो ये मेंबर फोर्स कॉम्प्रेसिव होंगे नहीं तो टेंसाइल होंगे. तो हम लोग बाय डिफॉल्ट कॉम्प्रेसिव अजूम करेंगे. आप चाहो तो टेंसाइल भी अजूम कर सकते हैं फ्रेंड्स आपकी इच्छा. आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा फ्रेंड्स. तो जब एपीडी बनाएंगे फ्रेंड्स एपीडी ऑफ जॉइंट जब आप एपीडी बनाएंगे फ्रेंड्स तो आप इस ए जॉइंट के तरफ फोकस करें. आपको ए जॉइंट के तरफ देखना है फ्रेंड्स. ए जॉइंट पे कौन कौन आ रहा तो ये आर ए रिएक्शन आ रही इसकी वैल्यू 1200 न्यूटन हमने ताजा ताजा लिखा है. ये जॉइंट पे देखो ये जॉइंट पे कौन कौन आ रहा है. ये जॉइंट है फ्रेंड्स. ये मेंबर आ रहा है एसी. तो मेंबर का डायरेक्शन आपको टुवर्ड जॉइंट अजूम करना है कॉम्प्रेसिव. ये एसी मेंबर है फ्रेंड्स. उसके बाद ये मेंबर है एबी इसको भी आपको टुवर्ड जॉइंट अजूम करना है फ्रेंड्स. अब ये मेंबर इंक्लाइन है तो आप इसको रिजॉल्व करेंगे फ्रेंड्स. लेकिन ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है सारे फोर्स एक सिंगल पॉइंट में से पास हो तो आपको पता है कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में दो ही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगती है समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो. क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप मूवमेंट लेंगे सारे फोर्स मूवमेंट के सेंटर में से जा रहे तो उनका मूवमेंट जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स. तो अननोन मेंबर फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं आएगी वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी वहां पर. इसीलिए आप लोग जब अननोन मेंबर फोर्स निकालते तो हमेशा दो ही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो. लेकिन जब आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल देते आपको तीनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने समेशन ऑफ मोमेंट समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई. अभी फ्रेंड्स ये जॉइंट की एफबीडी अच्छे से बन चुकी है देख सकते हैं आप. इस ए जॉइंट में तीन लोग आ रहे हैं एक दो तीन. हर जॉइंट पे आपको दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने बाय यूजिंग स्टैटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग स्टैटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो जो फोर्स ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव. तो फ्रेंड्स ये 1200 ऊपर जा रहा पॉजिटिव. अब ये इंक्लाइंड है इसको रिजॉल्व करो फ्रेंड्स. इसका एंगल आपको पता है 53.13 आणि ज्याच्या सोबत एंगल असते त्याच्या सोबत कॉस असते. तो एफ ए बी कॉस 53.13 और एफ ए बी साइन 53.13. तो ये 1200 ये ऊपर जा रहा पॉजिटिव. ये एफ ए बी साइन 53.13 ये नीचे जा रहा नहीं है. आंखी का ही टाइम पूरे गांव में वर्टिकल फोर्स दो ही है फ्रेंड्स. फिर इसको सॉल्व कीजिए कैल्सी पे डायरेक्ट तो आपको एफ ए बी का आंसर मिलेगा. कैल्सी पे कैसे करते मैंने बताया था 1200 लिखिए माइनस अल्फा दबा के ब्रैकेट बंद होने का बटन एक्स साइन 53.13 अल्फा दबा के सॉल्व दबाइए इक्वल टू आएगा. फिर जीरो लिखिए शिफ्ट दबा के सॉल्व नीचे का इक्वल टू प्रेस कीजिए तो एफ ए बी की वैल्यू आएगी 1500 न्यूटन और वो भी पॉजिटिव है. मतलब हमारा अजूम डायरेक्शन सही है फ्रेंड्स. तो ये जो मेंबर फोर्स है ये कॉम्प्रेसिव है मतलब वो टुवर्ड जॉइंट है. तो आपको एपीडी में उसका डायरेक्शन शो करना है फ्रेंड्स. जैसे ही वैल्यू निकल गई एपीडी में आपको उसका डायरेक्शन शो करना है कॉम्प्रेसिव. इस तरह से कॉम्प्रेसिव मतलब फ्रेंड्स टुवर्ड जॉइंट. आई बात समझ में. अब दूसरी कंडीशन आप इक्विलिब्रियम लगाइए समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो राइट जा रहा है वो पॉजिटिव. तो ये एफ ए सी ये लेफ्ट जा रहा निगेटिव और एफ ए बी ये भी लेफ्ट जा रहा निगेटिव कॉस 53.13 ये माइनस का या ए सी इधर जाके प्लस एफ ए सी
AB की वैल्यू कॉम्प्रेसर में प्लस आई है तो प्लस इनटू माइनस माइनस 1500 कॉस 53.1। तो इसका आंसर निगेटिव आएगा फ्रेंड्स, मतलब हमारा अजूम डायरेक्शन रॉन्ग हो गया। हमने अजूम किए थे कि एसी मेंबर टूवर्ड जॉइंट आएगा कॉम्प्रेसिव, लेकिन वो निगेटिव आया है, मतलब हमारा अजूम डायरेक्शन फ्रेंड्स रॉन्ग हो गया और वो टेंसाइल एक्ट हो। तो इसका आंसर आएगा -900 न्यूटन। तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स, सॉरी मतलब आपको सही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपके ब्रैकेट में। हर मेंबर फोर्स का आंसर ऐसे डब्बे में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आखिरी में फाइनल आंसर आपको डब्बे में लिखना पड़ता है। तो ये एसी मेंबर जो है ये टेंसाइल आया फ्रेंड्स, टेंसाइल का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम जॉइंट, ये अवे फ्रॉम जॉइंट एक्ट हो रहा है। अब आपको आंसर क्रॉस चेक करना है फ्रेंड्स। अब ये मैंने आंसर जो निकाला है ये सही है कि नहीं, ये मेरे को शक हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेंबर फोर्स कैसा है, इंक्लाइंड है। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता फ्रेंड्स, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एरो को देखिए, ये इधर जा रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसको रिजॉल्व कीजिए थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो आ रहे हैं ये ट्रस को 1200 से ऊपर धक्का दे रहा है फ्रेंड्स। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए ये जो वर्टिकल है इसने 1200 से नीचे धक्का दे रहा है। अभी एफएबी की मेंबर की वैल्यू आपने निकाली है 1500 न्यूटन, वेरी गुड। इसका एंगल है 53.13, तो 1500 cos sin, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, तो ये sin आएगा फ्रेंड्स। तो 1500 sin 53.13 की वैल्यू क्या 1200 होती है, चेक कीजिए, 1500 sin 53.13 की वैल्यू 1200 होती है फ्रेंड्स, यस ये 1200 होती है। ये 1200 से ऊपर धक्का दे रहा फ्रेंड्स, ये 1200 से नीचे धक्का दे रहा इक्विलिब्रियम में। ये 1500, ये 1500 cos 53.13 से लेफ्ट धक्का दे, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए ये 1500 cos 53.13 से राइट धक्का दे। क्या 1500 cos 53.13 की वैल्यू 900 होती है, ये 900 से इधर धक्का दे रहा, ये 900 से इधर धक्का दे रहा, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन। आप चला के देखिए वो 900 ही होगा। तो इस तरीके से आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं और आपका ट्रस्ट जिंदगी में रॉन्ग नहीं हो सकता, ये आपको प्रैक्टिस करने से आदत है। तो आपने ए जॉइंट लिया और दो मेंबर्स अननोन की वैल्यू निकाल ली फ्रेंड्स। अब इसी तरह आपको ये एफ जॉइंट लेना है, एफ जॉइंट सिमिलर सेम एफबीडी एड जॉइंट एफ, एफ जॉइंट पे फोकस कीजिए फ्रेंड्स। एफ जॉइंट के द्वारा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये एफ जॉइंट है आपका। अब ये एफ जॉइंट पे फ्रेंड्स ये एफएक्स की वैल्यू जीरो है, जीरो मतलब नो फोर्स, तो उसको आपने एफबीडी में नहीं भी बनाया तो चलता है, जीरो को आपने नहीं भी बनाया तो चलता। ये एफवाई है, एफवाई की वैल्यू 1200 निकाली हमने। ये मेंबर है फ्रेंड्स ईएफ, ये जॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये ईएफ मेंबर है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एफ ईएफ। और ये मेंबर है फ्रेंड्स एफडी फिक्स डिपॉजिट, इसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है। सभी मेंबर्स को आपको टूवर्ड जॉइंट बनाना है फ्रेंड्स कॉम्प्रेसिव। वैल्यू पॉजिटिव आ रही हमारा अजूम डायरेक्शन सही है कॉम्प्रेसिव है, वैल्यू निगेटिव आ रही हमारा अजूम डायरेक्शन ट्रेंड्स रॉन्ग है वो टेंसाइल है। एफबीडी में हम उसका सही डायरेक्शन शो कर, ये टेंसाइल आया फ्रेंड्स 900। अब ये इंक्लाइन को रिजॉल्व कीजिए, लेकिन फ्रेंड्स इसका एंगल 56.30 ध्यान दीजिए, यहां पे एंगल 53.13 था, तो ये 56.30। ये मेंबर का नाम है एफडी फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जाचा सोबत एंगल असते त्याचा सोबत कॉस आणि नंतरचा सोबत साइन। तो ये जॉइंट पे दो अननोन मेंबर आ रहे हैं ईएफ एफडी, ये ले सकते हैं आप। हर जॉइंट पे आपको दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है, समेशन एफआई इक्वल टू 0, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, ये 1200 ऊपर जा रहा पॉजिटिव, एफ एफडी साइन 56.30। अगर आपको ए जॉइंट समझाया फ्रेंड तो ये जॉइंट आपको अपने आप आएगा, बहुत इजी है फ्रेंड्स।
कैलसी सॉल्व कीजिए, कैलसी से इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ये कॉम्प्रेस हुआ है। तो 1200 माइनस अल्फा दबा के ब्रैकेट बंद होने का बटन x साइन 56.30 अल्फा दबा के सॉल्व इक्वल टू 0 शिफ्ट दबा के सॉल्व इक्वल टू ब्रेस्ट। तो इसका आंसर आएगा 1442.38 न्यूटन है, पॉजिटिव आया, अजून डायरेक्शन सही है फ्रेंड्स, ये मेंबर कंप्रेस हुआ है। जैसे ही वैल्यू निकल गई इमीडिएट एलबीडी में शो कीजिए, कंप्रेस हुआ मतलब टूवर्ड जॉइंट फ्रेंड्स, टूवर्ड जॉइंट, ये टूवर्ड जॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब समेशन fx इक्वल टू 0 जो राइट जा रहा है वो पॉजिटिव, यह ईएफ ये राइट जा रहा पॉजिटिव, एफएफडी cos 56.30 पूरे गांव में हॉरिजॉन्टल पोज दो ही है, एफएफडी की वैल्यू अभी ताजा निकाली 1442.38 cos 56.30, ये प्लस की टर्म उधर जाके माइनस फ्रेंड, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, मतलब ये कंप्रेस में निगेटिव आ गया फ्रेंड्स, तो हमारा अजून डायरेक्शन रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स, मतलब ये जो मेंबर कोर्स है फ्रेंड्स वो टेंसाइल है, और टेंसाइल जो है वो अवे फ्रॉम जॉइंट एक्ट होता है, तो इसको हम कैलसी में चलाइए, ये 800.29 न्यूटन कॉम्प्रेस में इसकी वैल्यू निगेटिव आई है फ्रेंड, आपको सोच जा रहे हो पॉजिटिव, तो यह पीटी ये नीचे जा रहा है निगेटिव, ये 200 ये भी नीचे जा रहा है निगेटिव, तो ये माइनस का है पीटी उधर जाके प्लस ईडी, तो एफ ईडी की वैल्यू माइनस 200 न्यूटन आई, कॉम्प्रेसिव में इसका वैल्यू माइनस आया फ्रेंड, मतलब हमारा अजून डायरेक्शन रॉन्ग हो गया, ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये टेंसाइल रहेगा अवे फ्रॉम जॉइंट, तो मैंने ऑलरेडी एफबीडी में इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम जॉइंट शो कर दिया, तो ये अवे फ्रॉम जॉइंट मैंने ऑलरेडी शो कर लिया आप देख सकते। उसके बाद इसको आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओ, समेशन एफएक्स इक्वल टू 0 जो राइट जा रहा है वो पॉजिटिव, तो ये एफसीई ये राइट जा रहा है पॉजिटिव, यह पीएफ ये लेफ्ट जा रहा है नेगेटिव, तो एफसीई इज इक्वल टू यह पीएफ, ये दोनों मेंबर इक्वल है, लेकिन फ्रेंड्स या पीएफ की वैल्यू कॉम्प्रेस में माइनस आई है, माइनस 800.29 न्यूटन, तो ये कॉम्प्रेस में माइनस है मतलब ये फोर्स टेंसाइल हो जाएगा, टेंसाइल मतलब अवे फ्रॉम जॉइंट, ये अवे फ्रॉम जॉइंट एक्ट होंगे फोर्स, तो एफ सी की वैल्यू टेंसाइल आएगी और ये अवे फ्रॉम जॉइंट एक्ट होगा। 6 मेंबर निकल गए फ्रेंड्स, अभी 3 बाकी है, सी डी बाकी है फ्रेंड्स, ये बीसी बाकी है और बीडी बाकी है, तो अभी आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, सी जॉइंट ले लीजिए, तो उससे आपको 2 मेंबर मिल जाएंगे बीसी और बीडी, उसके बाद बी या डी में से कोई एक लीजिए तो आपको बीडी मिल जाएगा, तो 9 में से 6 मेंबर्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 3 मेंबर्स की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखिए, तो 3 मेंबर्स की वैल्यू आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको पूरे ट्रस्ट का जो रिजल्ट है वो आपको टेबुलेट कर देगा, टेबुलेट कैसे करने का फ्रेंड्स वो देख लीजिए आप, 3 मेंबर्स बाकी है वो आपको निकालना है, वो होमवर्क है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ मेंबर, फोर्स इन मेंबर कितना फोर्स है और उसका नेचर, नेचर क्या है फ्रेंड्स उसका, तो जैसे आपने फ्रेंड्स पहला मेंबर लिया ए बी, फिर उसमें फोर्स कितना है एफ ए बी में, तो एफ ए बी की वैल्यू आई फ्रेंड्स 1500 न्यूटन और उसका नेचर है कॉम्प्रेसिव टूवर्ड जॉइंट, फिर आपने एसी निकाला फ्रेंड्स, एफ ए सी की वैल्यू है फ्रेंड्स 900 न्यूटन, ये अवे फ्रॉम जॉइंट है या इनर टेंशन फ्रेंड्स, उसके बाद आपने मेंबर निकाला एफ डी, एफ टी मेंबर की वैल्यू आई 1442.38 न्यूटन कॉम्प्रेसिव,
उसके बाद आपने निकाला फ्रेंड्स ये मेंबर की जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो 800.29 न्यूटन। जितने भी आपने ये डब्बे बनाए फ्रेंड्स ये टेबल पे उतार ले, ये मेंबर की वैल्यू टेंसाइल आई है फ्रेंड्स, उसका नेचर कितना जरूरी है। फिर नेक्स्ट आपने निकाला फ्रेंड्स ईडी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की वैल्यू 200 न्यूटन आई फ्रेंड्स, ये निकाला आपने अभी, और उसका नेचर टेंसाइल है। तो ऐसा आपको रिजल्ट टेम्पलेट करना है, नहीं तो दो मार्क्स आपके कट जाएंगे। उसके बाद सी मेंबर की वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो आपने निकाली 800.29 न्यूटन और वो भी आपकी टेंशन है। तो ऐसे करके आपको तीन मेंबर्स और निकालने हैं फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप फोन पे डिफिकल्टी पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अब तीन मेंबर्स इतना सीधा निकल आना चाहिए। सी ज्वाइन कीजिए, आपको सी डी और बी सी मेंबर मिल जाएगा। उसके बाद डी या डी में से कोई एक कीजिए तो आपको आपको बी डी मिल जाएगा। तीन मेंबर रहेगा फ्रेंड्स, नौ में से छह मेंबर मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, नहीं समझिए तो आप डबल उसको सुनिए, देखिए, कंसेप्ट लगाइए, ट्रस्ट की स्टेप लगाइए। नई स्टेप पता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से लीजिए, मैं आपको स्टेप शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन कांटिलीवर ट्रस्ट देखेंगे। थैंक यू।